लक्ष्मी पाना आपका भाग्य नहीं अधिकार है, और आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र इस अधिकार को दिलाने के लिए हम लेकर आए हैं पंच दिवसीय दीपावली संपूर्ण पूजन सामग्री। प्रिय साथियों, 5 दिनों तक यानी 2 नवंबर से लेकर 6 नवंबर तक आप मनाएंगे पंच दिवसीय दीपावली पर्व। इसके लिए हमने तैयारी बड़ी जोरों से की है। आपके लिए विशेष रूप से हम लेकर आए हैं महालक्ष्मी सुमेरु पृष्ठ श्रीयंत्र। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्रीयंत्र युक्त 8 लक्ष्मी चिन्ह। इसके साथ साथ आपके खातों का सही देखरेख हो, आपके खातों में हमेशा आपके बैलेंस शीट आगे बढ़ती रहे, इसके लिए हमने महालक्ष्मी कुबेर बही खाता तैयार किया है। इसके साथ ही प्रिय साथियों, शुभ लाभ के चिन्ह हमने तैयार किए हैं, और श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाए उनके लिए विशेष रूप से आपके पास एक यंत्र है। और भी ऐसी अनमोल खजाने में ऐसी चीजें हैं जो आपके जीवन को सार्थक बना सकती है। 27 अनमोल सामग्री से युक्त दीपावली पूजन पैकेट कई वर्षों से आपके घरों तक पहुंच रहा है। इस बार भी आप संपूर्ण दीपावली पूजन हमारे द्वारा बताई गई साधनाओं से करिए। निश्चित मानिए, माँ लक्ष्मी सदैव के लिए आपके घर पर वास करेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। साधना पैकेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें 9829026625, 9314728165। जिंदगी में बुरा दौर किसी का भी आ सकता है, लेकिन जब बुरा दौर चल रहा होता है तब मन में एक विचार कई बार जरूर आता है कि ईश्वर हमारी परेशानी देखते क्यों नहीं है, पूरे हमारी तकलीफें दिखती क्यों नहीं है, हमारे दुख वो कम करते क्यों नहीं है। याद रखिएगा प्रिय साथियों, कि जब आपकी परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं, इसी प्रकार भगवान साइलेंट रहते हैं, और वो देखते हैं कि आपके पास कितनी मजबूत इच्छा शक्ति है, दृढ़ इच्छा शक्ति है अपनी तकलीफों से लड़ने के लिए। आपको सामर्थ्यवान बनाते हैं, आपको शक्तिशाली बनाते हैं, इसलिए वो साइलेंट रहते हैं। हमेशा अपने आप को और मजबूत बनाइए और ईश्वर का सुवीरण हमेशा करते रहिए, आपकी तकलीफें एक दिन जरूर दूर होगी। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश शिवाली और आप देख रहे हैं 22 अक्टूबर शुक्रवार आज का राशिफल। प्रिय साथियों, आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें। मैं आज कल और परसों सूरत बड़ोदा अहमदाबाद की यात्रा पर रहूंगा, आप चाहें तो परसों मिल सकते हैं। आने के बाद 28 तारीख को मैं दिल्ली में रहूंगा और 29 और 30 अक्टूबर को काठमांडू में रहूंगा। उसके बाद 25 और 26 दिसंबर को मैं दुबई में पर्सनल विजिट पे रहूंगा। 29 और 30 दिसंबर को दुबई में मेरी वास्तु विजिट रहेगी और 28 दिसंबर को आबू धाबी में रहूंगा। आप चाहें तो मुझसे पर्सनल मिल सकते हैं। कमेंट बॉक्स में नजर डालिएगा, रोजाना एक व्यक्ति के जो सवाल पूछते हैं उनका जवाब देते हैं, हो सकता है आज आपका जवाब आ गया हो। प्रिय साथियों, आगे बढ़ते हैं और चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग में। आज पूरे दिन द्वितीय अतिथि रहेगी और आज ही शाम को 6:55 तक भरणी नक्षत्र और बाद में कृतिका नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी योग, आनंदाति योग, सुनफा योग का साथ मिल ही रहा है, लेकिन आज सिद्धि योग और पराक्रम योग का भी साथ मिलेगा। वहीं अगर आपकी राशि मेष, कर्क, तुला और मकर है तो शश योग का लाभ मिलेगा। चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे और आज के दिन अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए, मांगलिक कार्य के लिए शुभ समय की तलाश में, तो वो 2 बार मिलेंगे। सुबह 8:15 से 10:15 तक लाभ और अमृत का चौकड़िया और दोपहर में 1:15 से 2:15 तक शुभ का चौकड़िया। कोशिश करिएगा कि सुबह 10:30 से 12:30 तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। आज 6 राशि का राशिफल देखने के बाद गुरु मंत्र में हम बात करेंगे। किसी कार्य को करने में अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो क्या उपाय किए जाए, और कार्यक्रम के अंत में होगा एस्ट्रो ज्ञान। शुरुआत मेष राशि से। मन को शांत रखना, कई बार कहा जाता है कि भाई ठंडे दिमाग से सोचो। आज मन को शांत रखिए, सेल्फ एसेसमेंट करिए और ठंडे दिमाग से सोचिए आज करना क्या है, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। फूड एंड बेवरेजेस, होटल, मोटेल, रेस्टोरेंट, डेली नीड्स, डेयरी प्रोडक्ट, फार्मर्स, इन लोगों के लिए गुड न्यूज आ सकती है। वर्क प्लेस पर काम के लिए की गई कोशिशों में आप सफलता हासिल जरूर करेंगे। कुछ मिल जाना किस्मत से भी होता है, पर कुछ हासिल तो कोशिशों से ही होता है। सेहत के मामले में आप आज लकी हैं, पहले से बेटर रहेगी। पढ़ाई करते समय स्टूडेंट अपने मन पर काबू रखिए और जो भटकाव आपका डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रैक्शन होने वाला है उससे बचाइए। फैमिली में नए मेंबर के आने से खुशी आएगी और आप उसको बयां भी नहीं कर पाएंगे। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के सहयोग से आप अपने कार्य को समय पर कंप्लीट कर पाएंगे।
सोशल लेवल पर किए गए कार्यों के लिए बेहतर और अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। आज कोई जमीन जायदाद या फिर शेयर मार्केट में खरीद फरोख्त की जा सकती है। वृषभ राशि, नए संपर्क बनेंगे, उन संपर्कों से आप जो कॉन्टैक्ट बनते हैं वो सोशल मीडिया के द्वारा भी बन सकते हैं, राह चलते किसी व्यक्ति से बन सकते हैं, आशीर्वाद मिलेगा। शेयर मार्केट, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में कोई अच्छी डील आपको मिल सकती है और बेहतर पैसे से पैसे कमाने के दो बार आपको मौके मिलेंगे, चूकिएगा मत। वर्क प्लेस पर हो रही अफवाहों या नकारात्मक बातों से ऐसे एनवायरमेंट और ऐसे लोगों से दूरी बनाइए। फैमिली में प्रॉपर्टी को लेकर वाद और विवाद बढ़ सकता है, ध्यान रखिए। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर की किसी जिद के कारण आप परेशान हो जाएंगे। सोशल लेवल पर आपकी पोस्ट, आपकी शेयर की गई चीजों से कुछ आलोचना हो सकती है, सोच समझ कर आप आगे बढ़िए। व्यक्तिगत टीका टिप्पणी कभी नहीं करें जिंदगी में, वक्त बदलते देर नहीं लगती है। गाड़ी चलाते वक्त संभल के ड्राइव करें, वरना चोट लगना, डिस्टर्बेंस होना, ड्रिंक और ड्राइव, रात को ड्राइव आपको तकलीफ दे सकता है। अपनी नहीं अपनों की फिक्र करें, गाड़ी लापरवाही से नहीं सावधानी से चलाएं। ज्यादा देर तक बैठकर पढ़ाई करने, काम करने से तनाव उत्पन्न होगा। बीच बीच में एंटरटेनमेंट, घूमना फिरना, किसी खेल कूद से आपको लाभ मिलेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। अपने नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी और कर्तव्यों को पूरा करके आशीर्वाद लूट लेंगे। कॉरपोरेट बिजनेस, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले लोगों के बड़े डिसीजन और बोल्ड डिसीजन लेने का दिन है और आपको सपोर्ट भी जिसका चाहिए मिल सकता है। वर्क प्लेस पर आपके प्रमोशन, ट्रांसफर, कोई जॉब में परिवर्तन की बात अफवाह निकलेगी, इसलिए आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर में हो रहे मनभेद और मतभेद द एंड करके व्यवहार से आप खुश होंगे। फैमिली में बड़े बुजुर्गों की एडवाइस पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत काम आएगी। छत नहीं रहती, दहलीज नहीं रहती, दीवारें दर नहीं रहता है। घर में बुजुर्ग ना हो तो घर घर नहीं रहता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए दिन नॉर्मल रहेगा। आप अपने फील्ड में बेहतर करने के लिए टीचर, कोच, मेंटोर की सलाह पर भरोसा कर सकते हैं। सेहत के मामले में आप लकी हैं, लेकिन चोट दुर्घटना के मामले में हो सकता है आप अनलकी हो, ध्यान रखिएगा। कर्क राशि, लगातार काम करने का नशा रहेगा, एनर्जी लेवल शानदार रहेगा, अच्छी नींद लेकर काम करोगे, कुछ नयापन आज रूटीन में जरूर होगा, ये एंथुसियाज्म बनाएगा, कुछ खरीदारी करने का मौका मिलेगा, कुछ प्लान करने का मौका मिलेगा। फूड एंड बेवरेजेस, होटल, रेस्टोरेंट, फार्मर्स, डेयरी प्रोडक्ट, डेली नीड्स, ऐसे लोगों के लिए फाइनेंशियल पोजीशन बेटर करने का मौका मिलेगा। वर्क प्लेस पर अलर्ट रहते हुए आप अपने काम को कंप्लीट करेंगे। फैमिली के साथ बेहतर बॉन्डिंग बनाने के लिए छोटा या बड़ा सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट करके आप सफल रहेंगे और झुकने में कोई बुराई नहीं। अगले की गलती माफ कर दीजिए, अपनी गलती माफी मांग लीजिए। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ आप रूफ टॉप पर, कहीं हिल स्टेशन पर जाके कोई अच्छा खाने पीने की प्लानिंग बना सकते हैं। सोशल लेवल पर किसी मंच पर आपको और आपकी फैमिली को सम्मानित किया जा सकता है। सेहत के मामले में थोड़ा सतर्क रहें। स्वास्थ्य का आनंद लेने के लिए रोज योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज, ध्यान, चिंतन जरूर करें। बिजनेस रिलेटेड ट्रैवल आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। सिंह राशि, सोशल लाइफ बेहतर रहेगी, सोसाइटी, गली मोहल्ले और सोशल मीडिया के द्वारा कुछ अच्छा कर पाएंगे और आज का दिन थोड़ा सा बिजी शेड्यूल की तरह रहेगा। बिजनेस में फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर होने से आपके बिजनेस में ग्रोथ आएगी, पैसे से पैसा कमाने का अवसर मिलेंगे और जहां रुका हुआ पैसा उसके मिलना और जिससे हमने देना है खर्च और कर्ज चुकाने के लिए अच्छे काम हो सकते हैं। वर्क प्लेस पर काम करते समय किसी घटना को लेकर आपका मन अशांत रहेगा। स्पिरिचुअल प्रोग्राम को लेकर फैमिली में विचार विमर्श कर सकते हैं। हमारा परिवार ही हमारी असली ताकत है। सेहत के मामले में दिन आपके लिए मिश्रित परिणाम वाला रहेगा। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर में घरेलू काम करने पड़ सकते हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, कॉन्सेंट्रेशन बना के रखिए। डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रैक्शन जिससे होता है उसे भगाते रहिए। ऑफिशियल हो या अनऑफिशियल, पर्सनल हो या प्रोफेशनल ट्रैवल आज संभव है। कन्या राशि, यात्रा करने का अवसर मिलेंगे। यात्रा में समस्या ना आए इसके लिए यात्रा को डिजाइन करें, पहले से प्लान करें। लेबर का जो काम करते हैं, रिक्रूटमेंट का काम करते हैं, डीलरशिप किसी चीज की है, मैन्युफैक्चरिंग अलावा ट्रेडिंग और हो सकता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो, ब्रोकरेज का काम करते हो, ऐसे बिजनेस प्रोजेक्ट, टास्क, एजेंडा आपके पूरे होंगे और मैन पावर आपकी स्ट्रांग रहेगी। जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, अनएम्प्लॉयड पर्सन जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, थोड़ी निराशा लग सकती है और फॉर्म भरते समय आपसे कोई गलती हो सकती है, गलत जगह पर हस्ताक्षर करने वाले, इससे बचिए। आशा भले ही छोटी हो परंतु निराशा से बेहतर है। फैमिली में किसी के साथ बातचीत करते समय बहस बतंगड़ का रूप ले लेगी और वो लीगल कॉम्प्लिकेशन में तब्दील हो सकता है, ध्यान रखिए। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर में आपको अपने संबंधों में ईमानदारी अब रखनी होगी। डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आपका कमजोर है
तो कपालभाति प्राणायाम करिए, उससे बाइल जूस प्रोड्यूस होगा जो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा है। सोशल लेवल पर आपके कार्यों में गवर्नमेंट रूल्स थोड़ा परेशान करेंगे। सरकारी महकमे से, पुलिस से कोई तकलीफ आपको आ सकती है, अलर्ट रहिए। टीचर, कोच, मेंटोर द्वारा आपके अंदर जो खामियां निकाली जाती है उसे दूर करिए। और कबीर ने भी कहा था कि निंदक नियरे राखे आंगन कुटी छुआए, यानी आपकी जो बुराई करता है उसको अपने पास रखिए ताकि वो बुराई करता जाए और आप उसे ठीक करते जाए। आपका आज का दिन बेकार नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रिय साथियों, छह राशि के बाद आइए बात करते हैं अब एक विशेष गुरु मंत्र की। काम करते हैं, मन नहीं लग रहा है तो क्या किया जाए? पहली बात तो अपने आसपास एक सतयुग बना के रखें। हमेशा अच्छे लोगों की संगत रखिए जो तरक्की कर रहे हैं, उनके उनसे कुछ ना कुछ सीखिए। परिवार का माहौल अच्छा रखने की कोशिश करें, इससे आपका मन हमेशा लगेगा। और रूटीन अगर आप करते रहेंगे तो कभी ना कभी बोर होंगे, इसलिए रूटीन से निकलकर कुछ अलग करने की कोशिश करें, तब जाकर मजा आएगा। और आज प्रातःकाल स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर भोलेनाथ के मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर 108 बिल्व पत्र और दूध से अभिषेक करें। तिल के तेल का दीपक बाद में प्रज्वलित कर भगवान भोलेनाथ को पुष्प अर्पित करें। ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिव जी को सुपारी, पंच अमृत, नारियल और बेल की पत्तियां चढ़ाएं। वहीं मंदिर में एक चित्त होकर कम से कम 3 मिनट के लिए मौन धारण करें और लगातार ओम का उच्चारण करें। आप देखिएगा आपका मन शांत हो जाएगा और आनंद मिल जाएगा। बात करते हैं तुला राशि की। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर, जिस किसी भी पार्टनरशिप से आप जुड़े हुए हैं उसमें बॉन्डिंग मजबूत होगी। शेयर मार्केट, वायदा बाजार और जमीन जायदाद में पैसे से पैसे कमाने के मौके आपको मिलेंगे। 3 बार आपको अच्छे मौके मिलेंगे, इन्वेस्ट कर सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। जॉब से अगर संतुष्ट नहीं है तो आज छुट्टी ले लीजिए, पर जॉब चेंज करने से बेहतर है कि अपनी जॉब में ही कुछ परिवर्तन किए जाए। सोशल लेवल पर नए नए लोगों से मुलाकात होगी। आपका जो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाए तो बेहतर बनाने के लिए योग, प्राणायाम, ध्यान, चिंतन और सूर्य नमस्कार करें। स्वास्थ्य का आनंद लेने के लिए हर रोज आपको कुछ न कुछ अलग करना चाहिए, फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर में खर्चों में बढ़ोतरी, कर्ज लेना, दिखावे में कुछ खर्चा बढ़ा लेना परेशानी का कारण बन जाएगा। फैमिली में भाई बहनों से प्रेम बढ़ेगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या जनरल एग्जाम हो, वाइवा हो या इंटरव्यू हो, किसी खास तैयारी के लिए आज स्टूडेंट को एक खास दिन मिलने वाला है। वृश्चिक राशि, खर्च और कर्ज बढ़ रहे हैं, छुटकारा पाने के लिए कुछ अलग इंतजाम अब करने होंगे। जो लोग मेडिकल का बिजनेस करते हैं, सर्जिकल इक्विपमेंट का बिजनेस करते हैं, फार्मास्यूटिकल्स का बिजनेस करते हैं या कोई भी दवाई से संबंधित, मेडिकल से संबंधित काम करते हैं, उन लोगों को थोड़ा डिस्टर्बेंस आ सकता है, इसलिए आप आज थोड़ा अलर्ट रहें। कोई भी गलती आपके लिए भारी पड़ सकती है। वर्क प्लेस पर आपके स्मार्ट वर्क की सभी प्रशंसा करेंगे और आपसे कुछ ना कुछ सीखेंगे। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ आपकी बॉन्डिंग बेहतर रहेगी। प्रोफेशनल ट्रेवल में आपके हाथ प्रॉफिट लगेगा। सोशल लेवल पर पब्लिक का सपोर्ट मिलने से आपके काम गति पकड़ेंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, गवर्नमेंट की तरफ से कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। धनुराशि, स्टूडेंट बनना है आज आप लोगों को। उम्र कुछ भी है, काम कुछ भी करते हैं, लेकिन हर काम में एक अच्छे स्टूडेंट की तरीके से पढ़िए, नोट्स बनाइए, सीखिए और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अप्लाई करिए। आज कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे आपको किसी पर मोहताज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, होटल बिजनेस चला रहे हैं, टूर्स एंड ट्रेवल का काम करते हैं, नए प्रोजेक्ट और नए कहीं ना कहीं कोई कॉन्ट्रैक्ट बनने वाले हैं जिससे आपका काम आगे बढ़ सकता है। वर्क प्लेस पर आपको लाभ मिलेगा और वर्क प्लेस पर विरोधी भी अब आपकी प्रशंसा करेंगे। सोशल लेवल पर बुजुर्गों का आशीर्वाद और स्नेह आप पर बना रहेगा जिससे आपके काम में बिना किसी रुकावट के काम समय पर कंप्लीट हो जाए। जब तक आपके काम पूरे नहीं होते हैं तब तक आप साइलेंट मोड में रहिए, किसी को बोलिए मत, क्योंकि जब आप बोल देते हैं तो आपको आपकी ही नजर लग जाती है। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर में रिलेशनशिप में मधुरता आएगी। आंखों में जलन और मिर्ची मसाले खाने से शरीर में तकलीफ आ सकती है, ध्यान रखिएगा। फैमिली में किसी के स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत आपकी वजह से सॉल्व हो सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए आज सीरियस होना जरूरी है, चाइल्डिशनेस और कुछ मजाक के अंदाज में दिन ना गुजर जाए। बिना पढ़ाई के जीवन एक बीमार व्यक्ति के भांति होता है, ख्याल रखिएगा। मकर राशि, माताजी की सेहत पर विशेष ध्यान दीजिए क्योंकि उनकी सेहत में थोड़ी तकलीफ आ रही है, मानसिक और शारीरिक रूप से उन्हें तकलीफ आ सकती है। अगर आप किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन फंसे हुए हैं, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, पुलिस केस, थाना, कोई भी ऐसी चीज है जिसमें दुश्मनी है, तो आपको उस पर बहुत सतर्क होना चाहिए क्योंकि आपके विरोधी आपके खिलाफ कोई चाल चल रहे हैं। वर्क प्लेस पर आलस्य, थकान और लापरवाही आप पर भारी पड़ेगी और आलस्य में जीवन बिताना कई बार नुकसान के समान ही होता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनरशिप में धीरज, धैर्य और संयम बहुत बड़ा हथियार है, इसका इस्तेमाल करिए।
वरना आज ज्वार भाटा आने वाला है प्यार इश्क और मोहब्बत में। सोशल लेवल पर आपकी पोस्ट, व्यक्तिगत जीवन पर टिक्का टिप्पणी, बैठे बैठा है किसी के बारे में उल्टा सीधा बोल के आप उलझलूल कोई कमेंट करके डिस्टर्बेंस में फंसने वाले हैं। लेकिन परिवार में आज आपकी वाणी से बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आलोचनाएं, निंदा, इस पर ध्यान मत दीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए। किसी ने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, सक्सेस पाई है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, लेकिन आपने क्या किया है खुद सोचिए। सेहत के मामले में आज आपके लिए अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। कुंभ राशि, साहस, करेज, एंथुसियाज्म डेवलप होगा और आप आज कुछ अलग कर पाएंगे, अपने डे को अपने हिसाब से डिजाइन कर पाएंगे। फार्मास्यूटिकल कंपनी या फिर ऐसे लोग जो मेडिकल का काम करते हैं, नीम, हकीम, वैदराज हैं, कुछ ऐसी चीजें जिसमें आप अपने राज और काम करने के अंदाज को शेयर करते हैं तो आपको तकलीफ आ सकती है। अपने काम के राज को किसी को ना बताएं। वर्क प्लेस पर टीम मेंबर को ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है। सोशल लेवल पर कुछ नया करने की प्लानिंग में आप सफल होंगे। फैमिली के साथ किसी स्पिरिचुअल प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। सेहत को आप लाइटली न लें वरना परेशानी बढ़ सकती है। ड्रिंक एंड ड्राइव, रात को ड्राइव, रैश ड्राइव, बिना नींद लिए हुए ड्राइव करना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। जिस मनुष्य के पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं है तो समझ लीजिए उसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ आपकी रिलेशनशिप बेहतर होंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, टाइम आपके लिए पॉजिटिव और आपकी कोशिशें आपको सफल आज नहीं तो कल जरूर बनाएगी। मीन राशि, पैसे से पैसा कमाना, पैसे को इन्वेस्टमेंट करना, 3 बार मौके मिलेंगे। शेयर बाजार, वायदा बाजार या जमीन जायदाद में अच्छी डील हो सकती है। जब तक काम पूरा ना हो तब तक चुप रहिए। फेस्टिवल सीजन को देखते हुए रेडीमेड गारमेंट्स में, फूड एंड बेवरेजेस, होटल, रेस्टोरेंट और कोई इवेंट के जो काम करते हैं उन लोगों के लिए आज का दिन बहुत संभल के रहने वाला दिन है। हाथ आए हुए सौदे आपके छूट जाएंगे। वर्क प्लेस पर आप पूरे दिन एनर्जी से लबरेज रहेंगे। दांतों में, जबड़े में और गले में तकलीफ आ सकती है, बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। ठंडा और खट्टा खाना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ बेहतर टाइम स्पेंड करते हुए पुरानी यादों को तरोताजा करेंगे। फैमिली में किसी खास से आपको सरप्राइज मिल सकता है। सोशल लेवल पर अपने काम को निर्धारित समय पर, हर काम को डेडलाइन में कंप्लीट करने में ही आपकी भलाई है और इससे आपका जोश और जुनून बढ़ेगा। स्पोर्ट्स, आर्टिस्ट और प्लेयर्स परफॉर्मेंस ट्रैक पर आएगी। सपनों को पंख लगाने के लिए हार्डवर्क करेंगे। याद रखिएगा, कड़ी मेहनत झुर्रियों को मन और आत्मा से बाहर रखती है। एस्ट्रो ज्ञान पर बात करते हैं कार्यक्रम के अंत में। मेष, मिथुन, कर्क, सिंह राशि वाले लोगों के लिए आज का दिन शुभ है। तुला, वृश्चिक, धनु, कुंभ, मीन राशि वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा दिन है। लेकिन वृषभ, कन्या, मकर राशि वाले लोगों के लिए संभल कर रहने वाले दिन है। परंतु अगर आप माँ दुर्गा जी के मंदिर में आज उनकी प्रतिभा के समक्ष ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र की कम से कम 3 या 11 मिनट तक जाप करते हैं तो बहुत शुभ रहेगा। और साथ ही दुर्गा सप्तशती में उल्लेखित दुर्गा कवच का पाठ करना या उसे सुनना बहुत शुभ रहेगा। स्वस्थ, मस्त और व्यस्त रहकर प्रिय साथियों दिन गुजारी। मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा ये जानकारी ली जा सकती है। आज के लिए इतना ही, प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। लक्ष्मी पाना आपका भाग्य नहीं, अधिकार है। और आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र इस अधिकार को दिलाने के लिए हम लेकर आए हैं पंच दिवसीय दीपावली संपूर्ण पूजन सामग्री। प्रिय साथियों, 5 दिनों तक यानी 2 नवंबर से लेकर 6 नवंबर तक आप मनाएंगे पंच दिवसीय दीपावली पर्व। इसके लिए हमने तैयारी बड़ी जोरों से की है। आपके लिए विशेष रूप से हम लेकर आए हैं महालक्ष्मी सुमेरु प्रस्थ श्रीयंत्र। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्रीयंत्र युक्त 8 लक्ष्मी चिन्ह। इसके साथ साथ आपके खातों का सही देखरेख हो, आपके खातों में हमेशा आपके बैलेंस शीट आगे बढ़ती रहे, इसके लिए हमने महालक्ष्मी कुबेर बही खाता तैयार किया है। इसके साथ ही प्रिय साथियों, शुभ लाभ के चिन्ह हमने तैयार किए हैं और श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाए उनके लिए विशेष रूप से आपके पास एक यंत्र है। और भी ऐसी अरमोल खजाने में ऐसी चीजें हैं जो आपके जीवन को सार्थक बना सकती है। 27 अनमोल सामग्री से युक्त दीपावली पूजन पैकेट कई वर्षों से आपके घरों तक पहुंच रहा है। इस बार भी आप संपूर्ण दीपावली पूजन हमारे द्वारा बताई गई साधनाओं से करिए। निश्चित मानिए, माँ लक्ष्मी सदैव के लिए आपके घर पर वास करेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। साधना पैकेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें 9829026625, 9314728165।